बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे ही इस बात का पता चला कि कर्नाटका कॉलेज में आज का जो दिन है ये वर्ल्ड कॉइन एंड करेंसी डे के तौर पर मनाया जाता है सारी दुनिया में, तो इस सिलसिले में कर्नाटका कॉलेज में एक एग्ज़िबिशन रखी गई है पुराने नोट्स, कॉइन्स और करेंसीज़ को दिखाने की। तो ये बात का जब मुझे पता चला तो मुझे याद आया कि हमारे बीदर में एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जो तमाम उम्र उनका ये शौक़ रहा है कि वो पुराने नोट्स, करेंसीज़ ही नहीं बल्कि वो तमाम पुरानी चीज़ें जो आसार क़दीमा कहलाती हैं, निज़ाम के दौर की, टीपू सुल्तान के दौर की, मुग़ल के दौर की, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया के तमाम वो चीज़ें जो एक आसार क़दीमा के तौर पर देखी जाती हैं, जिनको आम तौर पर टूरिस्ट वगैरह बड़े ही शौक़ के साथ देखते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें इनको जमा करने का एक शौक़ रहा है। और वो हमेशा से ये सुनते रहे थे कि ऐसी चीज़ों की बड़ी क़दर होती है, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये सारी चीज़ें जमा की हैं। आज जो है ना, हम उन्हीं के पास यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि उनके पास वो कौन सी करेंसीज़ और कौन से पुराने नोट्स जो उनके पास रखे हुए हैं। तो अचानक जैसे ही हम उनके घर आए और फौरी जो है ना बताने के लिए गुजारिश की, तो गड़बड़ में उन्होंने बिल्कुल थोड़े से नोट्स और थोड़ी सी करेंसी यहाँ पर हम लोगों को बताई। वैसे इनके पास एक बड़ा ज़खीरा जमा है। आज हम जनाब मोहम्मद लियाकत अली ख़ान साहब से जो है ना इस बारे में जानते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी ये शौक़ उन्हें क्यों हुआ और किस तरह उन्होंने ये सारी चीज़ें जमा की। जनाब लियाकत अली ख़ान साहब, मेरा शौक़ पंडितर नेहरू जो पहली दफ़ा बीदर आए थे, मेरे सदर मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद साहब मौरिख, उन्होंने एक एग्ज़िबिशन की थी, उसको देखकर वो शौक़ पैदा हुआ कि भाई आखिर ये चीज़ें क्या है। उसके बाद से हमने मैं जमा करना शुरू किया। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने दिन से ये जो आपने ये नायाब और कीमती चीज़ें जो जमा रखी हैं, इसका आपको कोई फ़ायदा हुआ? फ़ायदा नहीं बल्कि सबसे बड़ा वक्त बर्बाद हो गया। उसके हटकर इसी शौक में लगकर दिमाग को ना हम अपने ज़िंदगी के लिए डेवलप करने के लिए फिक्र किए और ना कुछ नहीं किया, इसमें जो है मुनहमिक होकर रह गए। अब जब लाभ फायदा यानी बिल्कुल बेफायद रहा, गवर्नमेंट इसके तरफ किसी किस्म का कोई निगाह नहीं की, ताकि कई दफ़ा गवर्नर, मिनिस्टर और वज़ीर आज़म तक का हम पहुँचे, उन्होंने किसी ने कोई नहीं। इस बात से मैं भी वाकिफ़ हूँ कि बहुत से लोग आकर सिर्फ तारीफ़ के दो अल्फाज कहे और चले गए, लेकिन हकीकत में किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन मुझे देखने में ये भी आया था कि 2008 और 2009 के दरमियान में शायद बीदर उत्सव में आपकी ये तमाम चीज़ों की एग्ज़िबिशन भी वहाँ किले में हुई थी हर्षगुप्ता के दौर में। उस वक्त बड़ा अच्छा शोकेसेस में वगैरह ये सारी चीज़ों को जमा कर दिखाया गया था, लेकिन वहाँ से क्यों हटा दिया गया, वहाँ से क्यों जो है ना आपको वो जगह खाली करा दी गई, इस बारे में मालूम नहीं? जनाब हर्ष गुप्ता जब डीसी थे यहाँ पर, उन्होंने ख़ास तौर पर दिलचस्पी लेकर घर आके तीन दफ़ा अपना तफसील से देखा था अपनी विद फैमिली के साथ। उसके बाद में उन्होंने दिलचस्पी लेकर उन्होंने जो है उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि भाई इसको किले में लोगों के लिए बताने के लिए रखा जाए। लिहाजा मैंने बताया कि भाई इसके कोई ज़राए नहीं है रखने के, ना फर्नीचर है, ना रूम है, कुछ नहीं किया। तो उन्होंने फौरन कारपेंटर को बुलाकर दो बड़े 15-15 हज़ार रुपये के जो शोकेस बनाए और हम फौरी तौर पर वहाँ पर जमा दिए, जो हज़ारों लोगों ने उसे देखा। जी नहीं, बड़ी अच्छी बात है। उस वक्त तो बताया गया था, लेकिन उसके बाद शायद समीर शुक्ला डीसी बनकर आए और जब जमाया गया था तब आपके एक फर्जंद को 11 महीने के लिए एक नौकरी भी दी गई थी हर्षगुप्ता के दौर में गाइड के तौर पर, कि ये सब चीज़ों की आप निगरानी भी करें और जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ आते हैं ठहर कर बताएं भी। लेकिन आम तौर पर टेम्पररी अपॉइंटमेंट जो होता है
वो आमतौर पे 11 महीना का होता है, 11 महीने के बाद उसको फिर रिन्यूअल करना रहता है। लेकिन 11 महीने के बाद जब फिर डिप्टी कमिश्नर समीर शुक्ला आए, उसको रिन्यूअल नहीं करे बल्कि उसको वहीं पर स्टॉप कर दिए और मामला जहां का वहां रुक गया। इसीलिए शायद आपको जो है ना वहां से अपनी सारी चीज़ें वापस ला लेना पड़ा। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसी नायाब चीज़ें, आज मैं एक वीडियो में देखा कर्नाटका कॉलेज में जो है ना कुछ नोट्स और कुछ पुरानी चीज़ें वगैरह जो बताई गई हैं, करेंसीज वगैरह, वो आपके पास जो सामान है, जो नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं और जो यूटेंसिल्स हैं और जो जंगी सामान हैं और जो बुक्स हैं और जो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, पत्थर हैं, नायाब पत्थर हैं, समंदर से निकले हुए सीपीज हैं, कुरान शरीफ है उस दौर की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कुरान शरीफ का अरबी से पहला तर्जुमा पर्शियन लैंग्वेज में हुआ था। उस वक्त जो है ना बड़ा विवाद खड़ा हुआ था कि एक आसमानी जबान जो अरबी है उसका जो है ना तर्जुमा यहाँ दुनियावी ज़बान में किस तरह किया जा सकता है। लेकिन बाज़ाबता पूरे उलमा ने बैठ कर ये मुत्तफ़िका तौर पर फ़ैसला किया कि जो अजमी हैं जिनको अरबी नहीं आती उनको कुरान शरीफ समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इसका तर्जुमा किया जाए, तो फिर जो है ना वो विवाद थम गया। लेकिन जो है ना आज हमने देखा कि वो कुरान शरीफ जिसको जो है ना पर्शियन में जो है ना तर्जुमा किया गया था, वो लिखा गया था नायाब तौर पर तहरीर करदा तर्जुमे के साथ जो है ना वो लिखी हुई कुरान शरीफ है। आज ये वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ऐसी ऐसी नायाब करेंसी हैं, यहाँ पर नोट्स हैं, जिस दौर में मैं जानता हूँ कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट की अच्छे ओहदेदार की तनख्वाह 20 रुपये, 25 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये हुआ करती थी। उस दौर की करेंसीज आपके पास 1-1 हज़ार रुपये के नोट्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो नोट्स बता रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये 1 हज़ार रुपये ये निज़ाम के दौर की जो है ना नोट है। इस तरह सारे नोटों की आप वीडियोग्राफी किए हैं, इसको हमारे सारे नाज़रीन को दिखाएं कि किस तरह जो है ना कीमती और नायाब चीज़ें हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो करेंसीज रखी हुई हैं, ये सारे करेंसीज ये पूरी दुनिया के, अफ्रीका के हैं, श्रीलंका के हैं, यूएस के हैं, इंग्लैंड के हैं, ब्राज़ील के हैं, तकरीबन जो है ना हर जगह की, यूनान की, ईरान के, हर जगह के करेंसीज यहाँ पर कॉइन्स हैं। और अभी मैंने देखा कि ये निज़ाम की हुकूमत के कॉइन्स हैं, टीपू सुल्तान के दौर के कॉइन्स हैं, मुग़ल के दौर के कॉइन्स हैं। तो इस तरह जो है ना आपने जिस मेहनत के साथ ये जो चीज़ें जमा की थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके पास जमा हैं। लेकिन इसकी बड़ी नाकदरी हो रही है और जो है ना हुकूमत की जानिब से जो इसकी ख़दरदानी होनी चाहिए थी इन नायाब चीज़ों को दिखाने के लिए, एक अच्छी एक बिल्डिंग का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से होना चाहिए था, जिसको म्यूज़ियम के तौर पर रखा जा सकता था, जिसको बाहर से आने वाले जितने सयाह हैं या बीदर के जो तालिब इल्म हैं, जो तारीख से गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उन तमाम बच्चों को भी आकर देखने का मौका मिलता था। मैं इस बात की हुकूमत से गुजारिश करता हूं, अपने वक्त के आज के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और जो वक्त के जो है ना ओहदेदार हैं, उन सारे लोगों से मैं इस बात की गुजारिश करता हूं कि आज भी अगर इन चीज़ों की कदर करना है तो एक बिल्डिंग दीजिए, एक म्यूज़ियम बनाइए और उसके अंदर बाज़ाब्ता शोकेसेस रखिए, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखिए। ऐसे तो इन करेंसीज को लेने के लिए, इन सिक्कों को, कॉइन्स को लेने के लिए, और ये जो यूटेंसिल्स हैं अंदर भी मैंने देखा कि पूरी अलमारियां भरकर पड़ी हैं ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर पूरे हथियार हैं। उस दौर का जो है ना सिपाही जब जंग लड़ता था तो जो ज़र्रे बख्तर पहनता था वो ज़र्रे बख्तर है यहाँ पर, उस दौर के तलवार हैं, उस दौर के जो है ना हथियार हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना अगर हम म्यूज़ियम में रख कर बताते हैं तो ये बीदर के लिए एक बहुत कीमती बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी लापरवाह है और यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो भी जो है ना इस काम में कोई ख़ास दिलचस्पी दिखाते नहीं। मैं तो देखता हूँ कि जनाब लियाकत अली ख़ान साहब एक अरसे दराज से
मतलब यहाँ जो पहला जो एमएलए बने थे शफीउद्दीन साहब, उस वक्त से जो है ना उनके साथ रहे हैं, लखीउद्दीन साहब के साथ रहे हैं, मोहसिन कमाल के साथ रहे हैं, और जितने एमएलए यहाँ पर वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो सारे एमएलओं के साथ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई अवामी नुमाइंदा इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देता और इनको इनक्रेजमेंट करने की कोई बात नहीं करता। तो ऐसे में मैं हुकूमत वक्त से इस बात का मतालबा करता हूँ कि वो ऐसे शख्स को जो अपनी उम्र को पहुँच चुके हैं और उनको इनके इस शौक़ का जो एक बेहतरीन शौक़ है, एक तारीखी शौक़ है, जिसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता तो ये दीवानेपन की क्या ज़रूरत थी, अगर ऐसा सोचते हैं तो वो सोचने वाले अहमक हैं। क्योंकि ये ही चीज़ों को देखने के लिए दूर दराज से सयाह आते हैं, बड़े बड़े जो है ना अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से वगैरह लोग आते हैं, तो यही चीज़ें देखना चाहते हैं कि कौन से वक्त की कौन सी जो है ना निशानियाँ हैं। हुकूमत जहाँ पर आसार खरीमा के तहत पुरानी पुरानी बिल्डिंगों का एक पत्थर निकलने से जो है ना निकलने नहीं देते, उसको जब का जब मरम्मत कर देते हैं, तो ये इतनी सौ साल पुरानी जो है ना करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं, और ये बेशकीमती चीज़ें हैं। मैंने देखा कि ये जो सागर है, इस सागर के ऊपर मीर उस्मान अली ख़ान का जो है यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। ये वो सागर है जिस जो उस दौर में मीर उस्मान अली ख़ान के दीवान खाने में हुआ करता था, जिससे जो है ना वो पानी पीते या शरबत पीते या आब जमज़म पीते, जो भी है इतना बेहतरीन खूबसूरत सागर है, उनका निशान बना हुआ है। ये उस दौर की सीपी है, उस दौर के जो है ना माहिर ने इसके ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह लिखा है। ऐसे बेशकीमती चीज़ें हैं, लेकिन आज का दिन चूँकि ये वर्ल्ड कॉइन एंड करेंसी डे है, इसलिए इस वीडियो को हम कॉइन एंड करेंसी तक ही महदूद रख रहे हैं। लेकिन अंदर पूरी अलमारियां भरी पड़ी हैं, मैंने देखा कि ऐसे ऐसे भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं कि उसको सोने के जो है ना काम किए हुए हैं। आज हम देख सकते हैं कि कुछ चीनी के कामों के ऊपर गोल्डन कलर का चुप मसनवी जो है ना कुछ रहता है, लेकिन हकीकत में सोने का काम करे हुआ बादशाहों के दौर के जो है ना बर्तन जो हुआ करते थे, वो सारे बर्तन इनके पास मौजूद हैं। अगर ये बेचना चाहते तो लाखों रुपये बल्कि उससे ज़्यादा कीमत भी जो है ना ये हासिल करते, लेकिन वो इसको बेचना नहीं चाहते। वो अपनी पूरी ज़िंदगी का असासा अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए वो महफूज रखना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि ये इसकी हुकूमत की जानिब से कोई पजीराई हो, कुछ उनकी जानिब से इसको जो है ना कुछ तरक्की मिले, ताकि एक म्यूज़ियम की शक्ल बने और किसी एक आध बेटे को इस बात के लिए एक हुकूमत का कोई जॉब मिले, जो जो है ना इसको आने वाले तमाम जो सयाह होते हैं उनको ये बता सके। इस तरह ये अपनी ख्वाहिश रखते हैं। हमको बड़ी खुशी है इस बात की कि आज के इस वर्ल्ड कॉइन एंड करेंसी डे पर हम एक ऐसे शख्स से आप तमाम लोगों को रूबरू कराए जिसकी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ों को जमाने में और इसी चीज़ों को रखने में जो है ना गुजर गई है। हम आपके हक में दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, और जो है ये जो मामलात हैं हुकूमत की जानिब से इसकी जानिब तवज्जो दी जाए, हमसे भी जो इम्कान भर कोशिश हो सकती है इंशाल्लाह इस जानिब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।